नाज तुम पे करे ये जमीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता। तो आज दिव्यांगों दोस्तों और मित्रों, हम मिलते हैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर एक दिव्यांगों के सशक्त हस्ताक्षरों से, जो कि दिव्यांगों के हमेशा सर्वांगीण विकास के विषय में चिंतित रहे हैं। तो उनके लिए कुछ विकलांग विकलांग को ही बेहतर समझ पाता है। अगर विकलांग से शादी हो जाती है तो अब तो लड़की रगड़ देगा कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है और तू स्वीकार कर लिया, लेकिन कैसे भी किए थे ऐसे ऐसे कुछ कम केसेस आते हैं। मेरी भी शादी विकलांग से हुई है, लेकिन वो शादी के इच्छुक है और शादी एक ऐसा अभिन्न अंग है जीवन का जो हर एक को करना ही चाहिए। एक ये ऐसा माध्यम है, दिव्यांगम ने ऐसा माध्यम बनाया है जिसमें तमाम से जिलों के तमाम से एरिया के लड़के और लड़कियां जो शादी योग्य हैं और कह नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर, ये सब छोड़िए, घर वाले भले ही आपका निर्णय ना लें, लेकिन ये विकलांग टीम ऐसे सक्षम से आपका लेगी जाके आपको कोई कुछ नहीं कह सकेगा इस बात के लिए। चाहे आप लिखित रूप से चाहे बातों से आप प्रस्ताव ले सकती हैं, इस पे प्रस्ताव शादी के लिए रख सकती हैं और ये टीम शादी करने के लिए तैयार है। जो भी यहाँ से होगा सरकारी संस्था से और टीम के माध्यम से आप सबके लिए किया जाएगा और आपकी शादी भी कराई जाएगी, जिससे आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ससुराल वाले या कोई पक्ष वाले कोई कहते हैं तो ये टीम हमेशा आपके लक्ष्य पर जाने के लिए तैयार रहेगी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ये आज के जो परमानंद माधव हैं, वो जो दिव्यांगों के सशक्तिकरण के विषय में सोचते हैं, वही दिव्यांगों के लिए परमपिता परमेश्वर हैं, वही दिव्यांगों के लिए आगे मार्गदर्शक हैं। तो आज मित्रों हम मिला रहे हैं एक ऐसे समूह से जहां पर दिव्यांगों के सर्वांगीण सरोकारों के विषय में एक आपातकालीन बैठक हो रही है। उस आपातकालीन बैठक में दिव्यांगों के जीवनचर्या के विषय में हम चर्चा तो बहुत कर चुके हैं, अब उनके जीवन बसाने की क्रम में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज दिव्यांगों दोस्तों और मित्रों, हम मिलते हैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर एक दिव्यांगों के सशक्त हस्ताक्षरों से, जो कि दिव्यांगों के हमेशा सर्वांगीण विकास के विषय में चिंतित रहे हैं, उनके लिए कुछ करने वाले हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं सरबत खान। सरबत खान जी इन्हें एक ये प्रस्ताव लाए हैं उनके वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे हमारे साथ हमारे साथी आए हैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के डिप्टी डायरेक्टर श्री मिथिलेश तिवारी जी। उसके बाद हमारे साथ बैठे हुए हैं विशाल राजपूत जो कैमरामैन है हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के। इसके अलावा बैठे हुए हैं प्रवीण सिन्हा जी। प्रवीण सिन्हा यहाँ के दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के तो प्रभारी हैं ही, इसके साथ दिव्यांगम सेवा संगठन दिव्यांगम सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष भी हैं। इसके आगे हमारे बीच में बैठी हुई हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण हैं और इस जीवंत उदाहरण के रूप में यहाँ पे हमने उनको बुलाया है आज के सरोकारों पर उनसे विचार विमर्श करने के लिए। इसके बाद हमारे बीच में मिस्टर रिजवान मंसूरी। आप लोग हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के इनके रिजवान मंसूरी से निश्चित रूप से परिचित होंगे, रविवार को आपके दिमाग को चाटने आते हैं और ये रविवार मंसूरी जी के साथ आप सुनते हैं आज की बात। इसके बाद हमारे बीच में बहन या बेटी जो भी कहें, हमारी बेटी ये वंदना श्रीवास्तव हैं। वंदना श्रीवास्तव जी आज दिव्यांगम यूट्यूब के जो मुहिम है उसके विषय में सर्वपरस्त सर्व मान्य नेत्री हैं और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आज के कार्यक्रम में वो कुछ विशेष बोलेंगे और वो अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहेंगी पुष्पा और वंदना से। तो मित्रों आज के उद्देश्य के विषय में हम पहले चर्चा करते हैं। आज का उद्देश्य है दिव्यांगों के घर को कैसे बसाया जाए। दिव्यांगों के घर को बसाने के विषय में उनका आर्थिक पुनर्वास के विषय में तो हम बहुत चर्चा करते हैं। आर्थिक पुनर्वास यानी उनके जीवन को जीवन संचालन के लिए उनको कैसे रोजगार में लगाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम भी किया है। किसी को रोजगार के लिए दुकान दिलाई है, किसी की सिलाई मशीन का रोजगार कराया है, कुछ ऐसे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। दिव्यांगम सेवा संस्थान अपने कार्यों के प्रति कभी संतुष्ट और कभी हम उसको बहुत ही छोटा सा एक किंचित प्रयास मानते हैं। इस किंचित प्रयास में एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे सरबत खान ने शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रयास के विषय में सरबत खान जी अपना पहले से इस विषय में पूरा प्रारूप प्रस्तुत करें। मिस्टर सरबत खान
नमस्कार, मैं सीतापुर से हूँ। मेरा नाम सरद खान है। मैं कंप्यूटर शिक्षक भी हूँ, साथ में लॉ भी कर रखा है। विकलांग होने के नाते मैंने देखा कि जब कोई एक निश्चित आयु के अंदर हम पहुंच जाते हैं और अगर हम अपनी शादी ब्याह नहीं करते हैं देखा जाए तो कुछ काम हम नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे अपने कपड़े प्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं या अपने भी खाना या अपने चाय बना नहीं पा रहे होते हैं या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम गिरा नहीं सकते हैं। तो इसके बाद अपना नहा ही धो सकते हैं, अपने जूते ला नहीं पा रहे होते हैं। तो अगर मेरा जीवन साथी मुझे मिल जाता है तो मेरी जिंदगी तो होती है वो आसान बन जाती है। हम बहुत सारी बातें अपने भाइयों से, माँ से, बहनों से कर लेते हैं, दोस्तों से कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें कि हम लोग के भी दिल होता है जिंदगी में ईश्वर का इतना अच्छा ये वरदान विकलांगता का मुझे मिला हुआ है। तो कुछ बातें हम लोग जो शेयर करने वाले अगर जीवन साथी मिल जाता है वो ऐसा मिल जाएगा तो हमारी जिंदगी अच्छी बेहतर हमारी बन जाती है। तो हमारे ख्याल से तो ये इसको देखा है। मैं शिक्षक बनना ही बोलूंगा कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो काफी उम्रदराज लड़कियां लड़के हो जाते हैं, कहते हैं कि सर अगर कोई जीवन साथी मुझे मिल जाता है तो जिंदगी बन जाएगी, ऐसे बोलते हैं। कुछ माता पिता आते मुझसे बोलते हैं कि मेरी बच्ची काफी उम्र दराज हो गई है। तो ये मंच मैंने बनाया, विचार भी इस पर आया कि इसके माध्यम से लाइए। मैं कोशिश करूँ कि जिनकी शादी ब्याह नहीं हो पा रही है या जो लड़कियां बूढ़ी भी जा रही हों कह नहीं पाती हैं तो किसी इनडायरेक्टली किसी लड़की के माध्यम से, किसी साथी के माध्यम से मैं तक सूचना पहुंचाएं हमारे दिव्यांगजन जन के माध्यम से। तो हम उनके लिए जो अच्छा प्रयास कर सकते होंगे, अगर मान लिया वो बैठ से चलती हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो विकलांगी को ही चुने वो हम चाहेंगे, क्योंकि विकलांग विकलांग को ही बेहतर समझ पाता है। अगर सकलांग से शादी हो जाती है तो अक्सर लड़की रखा करेगा कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है और तू स्वीकार कर लिया, जिंदगी कैसे भी बीते। ऐसे ऐसे कुछ कम केसेस आते हैं। मेरी भी शादी सकलांग से हुई है लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी सुनने को मिले हैं। तो हम उनके लिए बेहतर विकलांग ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरा आप लोग इस चैनल के माध्यम से हमारे इस संदेश को बाहर पहुंचाइए और हमारे पास जो हमारे और भी खास खास जो महिला प्रश्न है वंदना श्रीवास्तव, ये सीतापुर जिले में जितने भी महिला प्रश्न का जो काम होगा वो आप ही देखेंगे। हम चाहें कि आपके माध्यम से आप लोग मैसेज करें, फोन करें, आपका फोन नंबर हम शो कर देंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करें। जो वॉइस पे हमसे चाहे बात करना वो मुझसे बात कर सकता है, हमारे जो है प्रवीण सिन्हा सीतापुर जिला अध्यक्ष उनसे बात कर सकते हैं। सीतापुर जिले में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विकलांग के साथ सकलांग भी मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि शादी ब्याह किसी उससे नहीं हो पा रही है, तो हम अपनी वंदना श्रीवास्तव जो कि मेरी बहन भी हमारी है उनसे दो लफ्ज सुनना चाहेंगे। हमारे भाई ने वीजा परिचय दिया हमारे लिए, तो हम अपने विकलांग बहनों से और भाइयों से ये कहूँगी मैं उनकी बहन की मेरे परिवार की वो मेरे एक हिस्सा है और मैं लगभग मुझे सबसे बड़ी थी उनकी शादी होंगी उनके लिए मैं उससे बड़ी ही हूँ। तो मेरा एक यही उद्देश्य है कि जो बहनें या जो भाई शादी के इच्छुक हैं, और शादी एक ऐसा अभिन्न अंग है जीवन का जो हर एक को करना ही चाहिए। परिवार एक हद तक साथ देता है, माँ बाप के बाद भाई देते हैं साथ लेकिन उतना नहीं देते हैं, और हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि जब माँ बाप नहीं होते हैं तो भाई या बहन उस स्थिति तक हम लोग का साथ नहीं दे पाते, उनके भी परिवार हो जाता है, उनके आगे मजबूरी है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी भाई या बहन जिनको शादी करना है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, सरबत भाई से कर लें या हमसे कर लें। ऐसा बड़ी बहन होने के नाते मैं उनके लिए अच्छा वर ढूंढ के प्रयास यही करूंगी कि उनका जीवन अच्छे मार्ग पे चले और आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहे, जैसे हम सरबत भाई, अंकल सिन्हा भाई साहब, रिजवान भाई, सभी लोग अपनी फैमिली के साथ रहने में जो खुशी है उसको वो भी। हरिजवान मंसूरी देखिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सर ने बताया यहाँ पे जो आज की जो विशेष मीटिंग है उसमें बहुत से
वो पिलर है, न्यू के पत्थर साबित कर सकते हैं, वो पिलर कह सकते हैं, जो बहुत सी चीजों का जिन्होंने शुरुआत की और उसको कामयाबी के प्रावधान तक पहुंचाया। अभी हमारी बहन वंदना जी ने आपको बताया कि वो आपके साथ में है, और हमारे शरद खान साहब ने जो मुहिम चलाई है, शरद खान नहीं है, मिश्रा जी नहीं है, ये एक समाज है, समाज को मजबूत करने का जो जिम्मा लिया है, जो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जो दिनचर्या है उसको सिस्टम में लाने के लिए, मैं वैसे ही मोटिवेशनल हूँ, बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रकृति का नियम है उसको सिस्टम में लाने के लिए, जो विधि का विधान है उसको सिस्टम में लाने के लिए, ये जरूरी है कि पति पत्नी मतलब एक गाड़ी के दो पहिया, उसका वो पहिया कैसा होगा उसका चुनाव आप स्वयं करेंगे। एक ये ऐसा माध्यम है, दिव्यांगम ने ऐसा माध्यम बनाया है जिसमें तमाम से जिलों के तमाम से एरिया के लड़के और लड़कियां जो शादी योग्य हैं और कह नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, और आपको नंबर सामने भी चल रहा होगा उम्मीद है, कि इस पे कॉल करिए, अपनी बात बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, पूरा बायोडाटा आपको देना होगा, और कोई भी बात आपको छिपानी नहीं, ये नहीं कि कोई भी काम उत्साह के साथ में करिए, करिए बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसी कोई बात मत छुपाइए कि आप व्यवसाय करती हैं, हैंडीकैप कितना है, सकलांग है या विकलांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी बात को बिल्कुल साक्षी मान के, अपने आप को साक्षी मान के वो यहाँ पे बताना होगा, और हम लोग का प्रयास रहेगा, लगातार प्रयास पहले भी रहा है, अब इस प्रयास को आपके जरिए हम और तेज करेंगे कि हम कम से कम कुछ जो सिस्टम है शादी का उसको हम आगे बढ़ाएं, और जो हमारे साथी लोग भाई बहन जो भी लोग हैं उनकी शादी करा के एक नेक काम करने का मुहिम चलाए, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद मैं चाहूंगा कि पुष्पा जी भी अपने विचार व्यक्त करें, प्रिय पुष्पा जी बेटी सलाम पहचाने नमस्ते, मैं ये कहना चाहूंगी अपनी विकलांग टीम से, मैं हूँ विकलांग साथी ट्रस्ट से और अपने सीतापुर टीम से, जिले से मैं बोल रही हूँ, और जी मेरे सामने बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे टीचर भी बैठे हैं, कंप्यूटर शिक्षा देते हैं, और ये वंदना दीदी भी बैठी हैं, ये LIC एजेंट हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिले के हमारे पास में ही बैठे हैं, ये यहाँ के जो हैं जी परवीन सिन्हा जी, ये हमारे अध्यक्ष हैं जिले के विकलांग टीम से, और जी मेरा नाम पुष्पा देवी है, और मैं ये चाहूंगी अपनी बहनों से और विकलांग भाइयों से, जो शादी करना चाहते हैं खुल के कह नहीं पाते हैं, वो अपनी इस पे बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, ये संगठन जितना माँ बाप नहीं लेगा निर्णय उतना ये संगठन ले सकता है। जैसे कोई लड़की शादी करना चाहे कह नहीं पाती, डरती है कि मैं खुद विकलांग हूँ, उसके घर जाके कुछ नहीं कर पाऊंगी, हो सकता है हमारे ससुराल वाले कुछ हमको दंडित करें या हमें कोई परेशान करे, ताकि मैं हमारे माँ बाप और कुछ ना कह पाए। मैं कभी घर में भी यहाँ रहती हूँ, सताई अपनी एक तो व्यक्तिगत समस्या से विकलांग होने के कारण, और फिर ससुराल में जाऊं वहां भी समस्या रहे, तो कुछ बहनें पीछे रहती हैं, शादी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ये सब छोड़िए, घर वाले भले ही आपका निर्णय ना लें, लेकिन ये विकलांग टीम ऐसे सक्षम से आपका लेगी, जाके आपको कोई कुछ नहीं कह सकेगा इस बात के लिए, चाहे आप लिखित रूप से चाहे बातों से आप प्रस्ताव ले सकती हैं, इस पे प्रस्ताव शादी के लिए रख सकती हैं, और ये टीम शादी करने के लिए तैयार है, जो भी यहाँ से होगा सरकारी संस्था से और टीम के माध्यम से आप सबके लिए किया जाएगा, और आपकी शादी भी कराई जाएगी, जिससे आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ससुराल वाले या कोई पक्ष वाले कोई कहते हैं, तो ये टीम हमेशा आपके लक्ष्य पर जाने के लिए तैयार रहेगी। थैंक यू। इसके बाद जो मुख्य सूत्रधार और यहाँ पे जो मुख्य कार्य करने वाले हैं, मेरे प्रिय प्रवीण सिन्हा जी, अभी तक तो दिव्यांगों के जितने कार्य हुए हैं जनपद में, उसके सूत्रधार मुख्य रूप से प्रवीण सिन्हा ही रहे। अब प्रवीण सिन्हा को ये बहुत बड़ा दायित्व दे रहे हैं,
और इस दायित्व को वो कैसे निर्वहन करेंगे, पहले प्रवीण सिन्हा से पूछते हैं, फिर इसका प्रारूप हम मैं प्रस्तुत करूंगा कि इसका क्या क्या होगा, पूरा विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूंगा। आदरणीय प्रवीण सिन्हा जी नमस्कार। एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिव्यांगम सेवा संस्थान जब समाज में दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए या नवीन दिव्यांगों के नवीन जीवन स्तर में प्रवेश कराने के लिए एक नई रूपरेखा आज यहाँ पर निर्धारित हो रही है, उस वक़्त हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए दिव्यांगम सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी खुद हम लोग के बीच में बैठे हैं। इसमें साथियों एक मांग समाज के सभी दिव्यांगजनों से करूँगा, मैं बात ये नहीं कह रहा कि शादी करें, शादी तो होगी ही होगी, लेकिन मैं बात यह कह रहा हूं कि जीवन का एक वो पड़ाव आता है जीवन में ऐसे समय पर कि जब हमारी इच्छा करती है कि कोई हमको एक गिलास पानी उठा के दे दे, कोई हमको एक रोटी बना के दे दे, उस स्थिति में हमको हमारा अकेलापन ना खले, इसलिए हम लोगों को समय रहते उचित अवस्था में अपने जीवन साथी की तलाश कर लेनी चाहिए। उसका एक दूसरा सबसे बड़ा कारण, अगर हमने 45 साल की उम्र में शादी की, 48 साल की उम्र में बच्चे हुए, या तो बच्चा लड़का होगा या लड़की, 48 साल की उम्र में लड़की हुई, उसकी शादी जब 30 साल की उम्र में करेंगे, हमारी अवस्था क्या होगी? 78 साल। कोई गारंटी ले सकता है कि हम वहां तक चलेंगे? इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करके, अल्लाह से गुजारिश करके, हम प्रयास ये करें कि समाज में जो भी हम लोग दिव्यांगजन लोग हैं, अपना घर एक उचित आयु में स्थापित कर लें, ताकि सरकार से जो हमको रिटायरमेंट की एज मिली है, वहां पर हम अपने सभी भौतिक दायित्वों से, धार्मिक दायित्वों से निवृत्त हो जाएं। एक बात, और दूसरी सबसे अहम बात कि इस बात की चिंता कतई कोई ना करे। जैसे अभी पुष्पा बहन ने एक बात बताई कि कल को अगर ब्याह हो गया, मतलब माफी चाहते हैं, चूंकि बहन के पास सामने कैमरे में आकर के इन्होंने कही, अब ये रोटी नहीं पका पाई तो क्या होगा? अरे साहब, जब समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि अच्छे अच्छे लोग जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मामला गड़बड़ा जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता, तो इस चिंता से हम कतई भी डरे या परेशान ना हो, और आराम से इस मंच के माध्यम से हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के, जो लोग नए जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम लोग सब लोग एक साथ आए और दिव्यांगम सेवा संस्थान उनकी हर तरीके से मदद करेगा, हर तरह से सहयोग करेगा। और जब तक आपका वैवाहिक जीवन स्थापित नहीं हो जाता, ये इस दिव्यांगम सेवा संस्थान का आपसे वादा है कि हर स्तर पर आपके प्रस्ताव पूर्णतः गोपनीय रखे जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण सिन्हा जी। अब अभी तक तो आप लोगों ने सबकी मन की इच्छा, मन की कामनाएं, मतलब दिव्यांगों को सर्वांगीण मुख्यधारा में लाने का एक प्रयत्न करने का विचार सबके मुंह से सुने, और सबकी ये इच्छा भी है। अब मैं इस इच्छा को कैसे प्रारूप को इसको अमल में लाया जाएगा, इस पर मैं विस्तार से थोड़ा 7-8 मिनट लूंगा। 7-8 मिनट इसलिए लेने की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी होगी कि आप बताइए। हमारे पास देखिए, कल हमने व्हाट्सएप के दो ग्रुप बनाए हैं, दिव्यांगम विवाह मंच पुरुष और दिव्यांगम विवाह मंच महिला। दोनों पे पुरुष के चित्र लगे हुए हैं एक पे, और महिलाओं के दूसरे पे चित्र लगे हैं। तो इस बात के लिए हम पहले प्रयत्न आपको कर रहे हैं कि हमारी सदिच्छा क्या है। हम चाहते हैं कि समाज की कोई भी इकाई जिसका इस समाज में बड़ा योगदान है, उस योगदान से वंचित न रहे। एक ऊपर से भी कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण है, और सृष्टि के निर्माण में जब पुरुष और स्त्री बने हैं तो उसको आगे चलाने का दायित्व भी पुरुष स्त्री पर है। अब उस पर समस्या आ गई है कि दो धर्म होते हैं,
हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रायः दो धर्म हैं, ज्यादातर हैं तो बहुत से, लेकिन सभी धर्मों का, लेकिन हम बताते हैं हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है। कोई एक दूसरे धर्म को, जैसा कि आजकल शासन में बड़ी बातें चल रही हैं, उन बातों का उल्लेख न करते हुए हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं इस मंच से, कोई दूसरे धर्म के दूसरे धर्म से शादी कराने का कोई प्रपोजल नहीं है। हम प्रपोजल ये इस प्रकार के नहीं रखेंगे, जो मुस्लिम होगा उसका मुस्लिम धर्म से ही शादी करने का पूरा मन से प्रयास किया जाएगा, जो हिंदू धर्म के होंगे उनका हिंदू धर्म से ही शादी कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा मन से। अब इसमें एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो भी इस पर प्रस्ताव भेजे, पुरुष वर्ग वाले में पुरुष वाले खाली पुरुष वाले ही भेजें, महिलाएं उस पर नहीं भेजेंगी, और महिलाओं वाले में हम अपेक्षा रखते हैं पुरुष वर्ग से कि वो उसमें अपना नाम न उसमें जोड़ें, क्योंकि हम जब उनको नाम हटाएंगे तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, बड़ा खराब लगेगा, और वो हमारी व्यवस्था है, हम सभी के नाम हटा देंगे पुरुष महिला वर्ग में जो पुरुष शामिल है। केवल एडमिन 3 रहेंगे हमारे और बाकी 4 महिलाएं रहेंगी उसकी, और महिलाएं ही उन महिला जो प्रत्याशी हैं, जो आवेदिका हैं, उनसे बात करेंगी। हम पुरुष एडमिन रहेंगे, उसको संचालन करने के लिए हम बात भी नहीं करेंगे जब तक हमसे उसमें हस्तक्षेप करने की बात नहीं कही जाए। जब हमारी महिला एडमिन जब उससे हमसे कहेंगे कि अब आप इसमें हस्तक्षेप करिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पुरुष वर्ग में रह गया, पुरुष वर्ग में पुरुषों को डालना चाहिए, हम जो महिलाएं हैं उनके अनुकूल जो पात्र का चयन करेंगे वो पुरुष वर्ग से चयन करेंगे। आप इस बात से निराश न हो कि हमारा फिर बात कैसे होगी, कैसे बात होगी, वो जो महिलाएं उसमें डाल रही वो स्वयं अपना आप चयन नहीं करेंगी, वो चयन हमारा ही एडमिन और हमारा ये दिव्यांग सेवा संस्थान ही करेगा, दिव्यांग चैनल ही करेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 बातें आप मुख्य रूप से डाल लीजिए। आप अपने रोजगार को मत छिपाइए, जो भी रोजगार कर रहे हैं वो बिल्कुल डालिए सही सही। जो दिव्यांगता है, आप बैठ के चलते हैं तो बैठ के चलते हैं या चलती हैं तो बैठ के पूरी बात लिखिए। अगर आप जितना पढ़े लिखे हैं, शिक्षा आपकी क्या है वो पूरी पूरी लिखिए। आपकी आयु क्या है, वो सर्टिफिकेट वाली नहीं, बिल्कुल जो असली आयु है वो बताइए आप हैं। आपको एक बात और खुल के बताना होगा कि जैसे दिव्यांगों में हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत से उपजातियां हैं, तो किन जातियों में, किन उपजातियों में आप करने के लिए तत्पर हैं, उस बात को स्पष्ट रूप से फॉर्म में इंगित करना होगा कि अगर आप किसी भी जात में करने के लिए तत्पर हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, आप उसमें इंगित कर सकती, हम उसके अनुकूल आपको ढूंढेंगे। रही बात ये कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप हवा हवाई बातें मत सोचिए। जैसे कोई दिव्यांग है, स्वयं दिव्यांग लड़की है या दिव्यांग लड़का है, वो सोचे कि हमें बहुत सर्व सुंदरी, पूरे विश्व की सुंदरी और बिल्कुल सकलांग लड़की मिल जाए, ये थोड़ा कठिन काम है, हम असंभव इसको भी नहीं कहते लेकिन ये कठिन काम है, ये सोचना भी नहीं चाहिए। और इसी तरीके से लड़कियां अगर सोचे कि लड़का पूरा सर्व बिल्कुल एकदम से एक फिल्म इंडस्ट्री के तरीके से वो हो, वैसा भी असंभव नहीं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा यथार्थ हकीकत पे आइए, हकीकत के जीवन पे जाने के लिए आपको एक नया मार्ग स्तंभ जब चुनने जा रहे हैं, जीवनचर्या चलने जा रहे हैं। अब जीवन को विवाह क्यों जरूरी है, ये हमारे बहुत से वक्ताओं ने बताया, विवाह इसलिए जरूरी है कि जैसे कि अभी पुष्पा ने बताया, प्रवीण ने बताया, वंदना ने बताया, सरवत ने बताया, रिजवान ने बताया कि आप जो खांस रहे रात में, आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके साथ खांसी आ रही है, तो आपके माँ बाप नहीं होंगे, भाई अपने जीवन चर्या चला रहे होंगे अलग, बहनें अपने ससुराल चली गई होंगी, आप अकेले रहेंगे तो आपको कौन पानी देगा, आप उठा भी नहीं पाएंगे। तो आपका जीवन में जरूरत या तो होती है युवावस्था में या वृद्धावस्था में जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है, उस जीवन साथी को पूर्ण करने के लिए हम दिव्यांगों को सेवा संस्थान में इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। अब एक बात और रही, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें सकलांग विधुर और सकलांग विधवा औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनके मन में ये कदाचित इच्छा होनी चाहिए कि वो ये बात मन में साफ सोच करके न करें कि हम दिव्यांग व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे। किंचित से मान लीजिए थोड़ा सा दिव्यांग है, उसको स्वीकार करने के लिए आपके अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अगर ये इच्छा शक्ति है तो हम उन पर भी कंसीडर करने के लिए तत्पर हैं। अब रही बात इसमें वे लोग जो खाली मनोरंजन करने के लिए, मौज लेने के लिए अपना नाम लिखाते हैं, उन लोगों के लिए मेरी कड़ी चेतावनी है कि ऐसे लोगों को हम पुलिस में तुरंत दे देंगे, उनका नाम उनका पता, दिव्यांगम सेवा संस्थान बहुत ही पूर्ण रूप से सक्षम है ऐसे लोगों को लोकेट करने के लिए, ऐसे लोगों को जेल भिजवाने के लिए। तो
तो इस प्रकार के मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि कृपा करके इसमें मौज लेने के लिए अपना नाम या टेलीफोन नंबर हो इस प्रकार के प्रस्ताव मत दीजिएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ना लड़का कोई लड़की बन करके अपना फोटो डाल करके मैं लड़की हूँ डाल रहा हूँ लड़की में चला जाए, वो पता लग जाता है। आजकल AI का युग है, मैं जानता हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी काट निकल रही है। जब AI के युग में प्रधानमंत्री को गरबा करते हुए नचा दिया जाता है तो क्या संभव नहीं है, तो उसकी भी काट निकल रही है, हम उसको भी पता लगा लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कदाचित हो गया तो आप लोग बहुत ही हार्ड क्वार्टर में जाएंगे। तो इस प्रकार के कतई काम न करें, एक पवित्र काम है, एक नेक काम है, उसमें यथासंभव जितना आप सहयोग कर सकते हैं वो करने की कृपा करें, यही मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला।